हेलो एवरीवन, आई एम दीपक गुप्ता। वेलकम टू जेड टी क्लासेस। टुडेज लेक्चर विल फाइंड आउट व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हिच बल्ब ग्लो मोर, द वन विद हायर पावर रेटिंग और लोअर पावर रेटिंग। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेयर द क्वेश्चन इज गिवन अबाउट बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल and sometimes two or more than two bulbs are connected and you have to find which bulb will glow more. तो glow बेटा कौन bulb ज़्यादा glow करेगा, जिसका power output ज़्यादा होगा, जो power ज़्यादा dissipate करेगा वो ज़्यादा glow करेगा, है ना। और यहाँ पर अगर हमने same bulb जो है, here I am comparing if you have connected with 110 voltage supply and 220 voltage supply, तो ये तो हमने अभी ऊपर देखा ही था कि अगर भाई वोल्टेज डबल है तो पावर आउटपुट ज्यादा होगा, पावर आउटपुट अगर ज्यादा है तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ओनली थिंग इज कि अगर ये बल्ब जो है 220 वोल्ट के एलिमेंट नहीं है तो हो सकता है कि इतना ग्लो करे कि फाइनली फिलामेंट मेल्ट हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर टेकिंग फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चंस अहेड इज पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्ट स्क्वेयर, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा पावर, ठीक है। सो दिस फैक्ट विल कीप इन हैंडी व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस अहेड। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग व्हेन टू बल्ब ऑफ सेम वॉट सेम पावर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा अगर पैरेलल में दो बल्ब कनेक्ट हो रहे हैं तो पैरेलल में वी आर अवेयर कि वोल्टेज सप्लाई जो है वो सेम होती है। अगर पैरेलल में वोल्टेज सप्लाई सेम है तो दोनों की पावर सेम होगी, है ना। बोथ ऑफ देम विल डेसिपेट सेम पावर, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन दैट। बट एट द सेम टाइम अगर आपने दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है तो सीरीज में प्रॉब्लम इज कि जो आपका वोल्टेज सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो दोनों के अक्रॉस जो है वो हाफ ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर। और जब वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आपका लेस है बेटा, है ना, नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपका जो पावर है दैट पावर विल रिड्यूस, जो बल्ब का जो आउटपुट पावर है दैट विल रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज 120 वोल्ट से 60 वोल्ट बन रही है, हाफ हो रही है। अगर वोल्टेज हाफ होगी तो पावर विल बिकम 1/4, पावर 1/4 बनेगी दैट मीन्स बल्ब विल ग्लो लेस। तो अगर आप बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देयर इज नो चेंज इन द पावर आउटपुट और ग्लो, दोनों बल्ब जो है अपनी पावर रेटिंग के हिसाब से ग्लो करेंगे, सेम पावर रेटिंग है सेम ग्लो होगा। अगर यहाँ पर 40 वॉट और 60 वॉट है तो ज्यादा पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा इन पैरेलल, पैरेलल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रेटिंग के हिसाब से ग्लो है। सीरीज लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट थिंग इज इन सीरीज वेन एवर यू कनेक्ट टू और मोर बल्ब देयर इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज ड्रॉप, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है एंड दस द पावर आउटपुट रिड्यूसेस। सीरीज में पावर आउटपुट हमेशा कम होगा, बल्ब जो है वो लेस ग्लो करेंगे। लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल इन दिस। तो हमने बेटा टू बल्ब कनेक्ट किए हैं 60 वॉट एंड 100 वॉट इन सीरीज विद 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। तो आपने 200 वोल्ट सप्लाई पे इन दो को अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये अपने नॉर्मल आउटपुट पे वर्क नहीं करेंगे, है ना, ये कम आउटपुट पर वर्क करेंगे तो दोनों ही कम ग्लो करेंगे, ठीक है। बट इन दोनों में से कौन ज्यादा ग्लो करेगा दैट वी हैव टू सी। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि 100 वॉट वाला बल्ब जो है वो ही ज्यादा ग्लो करेगा, नहीं। लेट्स सी दिस। सो दिस टू बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज।
पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, एंड दिस वी हैव सीन बिफोर दैट इफ वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट सो पावर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो मोर पावर लेस रेजिस्टेंस. सो हियर इन दिस केस 60 वॉट बल्ब दैट विल हैव हायर रेजिस्टेंस देन 100 वॉट बल्ब. Now these two bulbs, when they are connected in series, I am interested who is going to dissipate more energy. ज़्यादा energy कौन dissipate करेगा, उसकी power जो है वो ज़्यादा होगी and that bulb will glow more. So यहाँ पर बेटा जो voltage supplier in series, we are aware that the current remains same. Current जो दोनों bulb से flow कर रहा है वो same होगा. तो अगर current same है तो आई यूज पावर का जो फॉर्मूला है दैट आई यूज एस पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. ठीक है, जो आई है ये यहां पर दोनों में सेम आई फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स पावर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो यहां पर अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो कम ग्लो करेगा. एंड द 60 वॉट पावर विच हैज गॉट हायर रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर. तो यहां पर यू हैव टू नोट दिस कि जब बल्ब्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ओवरऑल उनका जो ग्लो है वो रिड्यूस होता है, प्लस जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होती है वो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है. ठीक है, बोथ द थिंग्स यू हैव टू नोट. लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चन टू मेक टॉपिक मोर क्लियर. सो दिस टाइम आई एम टेकिंग थ्री बल्ब्स एंड ऑल द थ्री बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल में लाइफ बहुत इजी है ना, जो आपके बल्ब जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं दे हैव गॉट सेम वोल्टेज सप्लाई इज देयर. तो यहाँ पर जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप है वो चेंज नहीं हो रहा है. तो अगर वोल्टेज सप्लाई सेम है तो हर बल्ब जो है वो अपनी पावर आउटपुट के हिसाब से वर्क करेगा, एंड जो जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देर वॉज नो डिस्क्रिपेंसीज और इश्यूज वॉज देयर, बट स्टिल बेटर यू मेक अ नोट ऑफ इट दैट इज इन सीरीज के केस में बोथ बल्ब विल ग्लो डिम, दोनों डिम ग्लो करेंगे, बट द बल्ब विद लोअर पावर और लोएस्ट पावर रेटिंग विल ग्लो ब्राइटेस्ट. इन पैरेलल एवरीथिंग इज नॉर्मल, बोथ द बल्ब विल ग्लो एज पर देयर पावर रेटिंग. अगर वोल्टेज सप्लाई सेम है जो उनकी रेटिंग्स में मेंशन है तो वो अपनी पावर के हिसाब से उतना ही ग्लो करेंगे. Let's take one more numerical to clear the concept better. So this time three bulbs are connected as shown in the circuit. So you have got two bulbs connected in series and a third bulb is connected in parallel. All three have got same ratings. You have to find which bulb will glow the brightest. सबसे bright कौन सा bulb glow करेगा? So बेटा जिस बल्ब के क्रॉस है ना ज्यादा, तीनों बल्ब की रेटिंग सेम है, जिसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज होगी, तो वो ज्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, तो यहां पर आपकी अगर बैटरी की वोल्टेज वी है तो आपका जो सीरीज में कनेक्टेड है उनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका हाफ हो जाएगा, V/2 V/2. एंड पोटेंशियल सी जो है बल्ब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम एज वी. तो यहाँ पर बल्ब सी के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, सो बल्ब सी इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्लो मोर. बल्ब ए एंड बी, आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हाफ हो गया है. अगर वोल्टेज ड्रॉप हाफ हो गया है तो आपका जो पावर है वो एन स्क्वेयर टाइम्स, दैट मीन्स इट विल बिकम 1/4. And bulb A and B will glow 1/4 time of glow of bulb C. So bulb C is going to glow brightest. In next lecture, we'll find out when two or more bulbs are connected in series or parallel, then what is
इफेक्टिव पावर ऑफ द सर्किट। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर एंड आज के कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर। टिल देन बाय बाय।